सिंधी पंचायत जन सेवा समिति अजमेर द्वारा नवरात्रि का महाउत्सव मनाया गया। यह प्रोग्राम समिति के अध्यक्ष विनोद आसनानी द्वारा किया गया और ये लगातार 5 सालों से इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत माता की स्थापना कर गरबा डांडिया का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें फैंसी ड्रेस एवं पेंटिंग प्रतियोगिता भी रखी गई। प्रत्येक बच्चे को अध्ययन सामग्री दी गई और गरबा नाचने वालों को प्रतिदिन पुरस्कारों से नवाजा गया। इसके अलावा बच्चों को मोमेंटो भी दिया गया। इस प्रोग्राम के करीबन 1000 लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आखिरी वाले दिन माता को 56 भोग लगाया गया और उन्हें प्रसादी दी गई। इसके अलावा झूलेलाल महिला मंडल की महिलाओं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में भाग लिया। स्थान झूलेलाल पार्क जेपी नगर मदार अजमेर के सिंधी पंचायत मदार जन सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद आसरानी ने बताया कि आज 15 अक्टूबर को ये गरबा रास महोत्सव 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और उसके तहत रोज़ गरबा रास रात को होगी और शाम को माता के भजन कीर्तन किए जाते हैं, जिसके तहत 9 दिन तक लगातार जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को उपहार दिया गया और जिन बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई उन बच्चों को भी रोज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड पेंटिंग बनाने वाले अच्छी पेंटिंग बनाने वालों को पुरस्कार वितरण किया गया। जो बच्चे गरबा रास में झांकियाँ में तैयार होकर आते थे झांकियों के रूप में, उन बच्चों को सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। इसके सिवाय ये हंसी खुशी से तैयार त्यौहार गरबा रास मनाकर और 56 भोग लगाकर अंत में 150 पुरस्कार दिए गए और 75 नॉमिनेटोज बनते हैं। इसके तहत महिलाएं पुरुष सभी को पुरस्कार दिए गए जिन्होंने अच्छे घर पर पुरस्कार 56 भोग का प्रसाद बनाकर मैया जी की आरती करके बड़ी हंसी खुशी से गरबा रास का आयोजन समाप्त किया गया। मैं महिला मंडल मदार अजमेर अध्यक्ष बनती हूँ।